हाय गाइस, आज का टॉपिक है सिनर्जी का एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें फॉर रेटिंग्स। हाय गाइस, माई सेल्फ अमन, वेलकम टू माई चैनल सीमेंस ब्लॉग। इफ़ यू आर न्यू हियर, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब दिस चैनल। आई मेक वीडियो ऑन द बेसिस ऑफ मेरी टाइम लाइफ एंड डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑन योर नोटिफिकेशन बेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है सिनर्जी का वैकेंसी आया है फॉर रेटिंग्स कैडेट एंड इंजन कैडेट के लिए, तो मोस्टली मैं कवर कर रहा हूँ रेटिंग्स का। तो एग्जामिनेशन डेट है 11th of August एंड लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 5 August 2021। सो मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा। सो अभी पेमेंट का इशू आ रहा है, फिर भी आप लोग अपने आप को रजिस्टर कर लें और जैसे ही पेमेंट का इशू रिजॉल्व हो जाएगा वेबसाइट से तो आपको मेल आएगा, आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन सा टॉपिक से रेटिंग के लिए एग्ज़ाम में आएगा क्वेश्चन, उसको मैं कवर करेगा आज। बेसिकली ये टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, अराउंड आपको 180 मिनट दिया जाएगा, अराउंड 3 आवर, और टोटल ये एफ सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए एमसीक्यू, सारा एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। तो सेक्शन ए में रहेगा नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग एंड सेफ्टी, जो 50 मार्क्स का होगा, मीन्स जीएस के जनरल शिपिंग नॉलेज। उसके बाद सेक्शन बी होगा एमई के मैरीन इंजीनियरिंग नॉलेज, जिसमें आपका कवर होगा मशीनरी ऑपरेशन, वर्क्स और प्रैक्टिस एंड सेफ्टी। सेक्शन सी होगा बेसिक न्यूमेरिकल रीजनिंग 25 मार्क्स का। सेक्शन डी होगा पैटर्न रिकॉग्निशन 25 मार्क्स का। सेक्शन ई होगा लॉजिकल रीजनिंग 25 मार्क्स का। सेक्शन एफ होगा जनरल नॉलेज एंड मैकेनिकल रीजनिंग, वो भी 25 मार्क्स का। सो टोटल ये 6 ग्रुप है और 6 ग्रुप से इस हिसाब से सारा क्वेश्चन का मार्किंग डिवाइड हुआ है। नाउ आप लोग को एक बता देते हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। सो अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत होगा तो आपका टोटल 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, और पर क्वेश्चन के लिए आपका 1 मार्क्स, अगर आपका सही होगा तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो मैं आपको फिर से एक बार पढ़ देना चाहता हूँ क्या क्या आएगा। सेक्शन ए में क्या क्या कवर होगा, सेक्शन बी में क्या क्या कवर होगा। उससे पहले द एग्जामिनेशन विल बी द ऑनलाइन फॉर्मेट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर, जो मैंने आपको बताया। और सेक्शन ए में क्या क्या कवर होगा, सेक्शन ए में नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग एंड सेफ्टी, जनरल शिप नॉलेज आपका होगा, नॉटिकल टर्म्स एंड पार्ट्स ऑफ वेसल, मीन्स आपको फिगर क्वेश्चन रहेगा जिसमें आपको फिगर से बताना होगा कि क्या क्या फिगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी पार्ट्स ऑफ वेसल रहेगा आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा। बेसिक नेविगेशन, टर्म यूज, हेल्म ऑर्डर, एलिमेंट्री रूल्स ऑफ द रोड एंड बॉयज, बेसिक फ्लैग्स एंड देयर यूजेस, वॉच कीपिंग एंड रिपोर्टिंग, आइडेंटिफाई नेशनल नेविगेशनल इक्विपमेंट एंड देयर यूजेस, मूरिंग एंड एंकरिंग टर्म्स एंड प्रोसीजर, इमरजेंसी एंड एक्शन। सो मोस्टली आपका जो भी आपने कॉलेज में कोर्स के टाइम पढ़ा होगा जीएस के, वो सारा कवर आपको करना ही है। कार्गो हैंडलिंग एंड स्टोरेज एट बेसिक लेबर, कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट स्टोरेज, सिक्योरिंग ऑफ कार्गो कंटेनर होल्ड प्रिपरेशन स्टोर हैंडलिंग्स। सो कार्गो हैंडलिंग से मोस्टली ज़्यादातर सारा क्वेश्चन कार्गो हैंडलिंग से ही है। लिफ्टिंग इक्विपमेंट एंड सेफ्टी, बेसिक फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, सेफ वर्किंग लोड्स ऑफ इक्विपमेंट, रोप वर्क, सेफ वर्किंग प्रैक्टिस। कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे मोस्टली वो लोग सेफ्टी पे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, तो आपको सेफ्टी का सारा चीज़ कवर करना ही है। नाउ सेक्शन बी में एमईके में क्या होगा, क्योंकि ये जनरल पर्पस रेटिंग है, इसका मतलब आप डेक साइड भी काम करेंगे, इंजन साइड भी काम करेंगे, किसी भी साइड आप जा सकते हैं, इस कारण वो एमईके को भी कवर करेंगे। तो एमईके में क्या क्या रहेगा, मशीनरी ऑपरेशन, वर्क स्पेस प्रैक्टिस एंड सेफ्टी के अंदर रहेगा, मशीनरी एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट इन ए शिप एंड देयर पर्पस, बेसिक वर्क्स ऑफ प्रैक्टिस, टर्निंग फिटिंग आर्क एंड गैस वेल्डिंग, कटिंग ड्रिलिंग ईटीसी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल्स, लाइक जैसे कोई भी एक रिंग स्पैनर इस तरह टाइप का कुछ रहेगा, आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा। सेफ्टी प्रिकॉशन ड्यूरिंग वर्क, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अलार्म, सारा अलार्म का आपको आइडेंटिफिकेशन करना होगा जैसे फिगर के द्वारा बताया गया होगा। लेवल मेजरमेंट, लुब्रिकेशन एंड वॉच कीपिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल हैंड टूल्स फॉर मेंटेनेंस, तो ये सब रहेगा। ऑल क्वेश्चन इन द नॉलेज एरिया विल बी फ्रॉम द अप्रूव्ड डीजी सिलेबस फॉर जीपी रेटिंग। मैं जो वही बोला, अगर आपने जीपी रेटिंग कोर्स, ये फॉर्म है ही इसी के लिए जीपी रेटिंग के लिए, तो आपने ये जीपी रेटिंग अपीयर कर रहे हैं फाइनल ईयर में हो, या आपने कर लिया कोर्स, तो आप अपना सारा
जो भी सीमेनशिप का बुक है उसको कवर कीजिए, और एमईके का बुक है उसको पूरा कम्प्लीटली कवर कीजिए। और सेक्शन सी एप्टीट्यूड क्वेश्चन रहेगा जो 100 मार्क्स का रहेगा, जो 25 में चार पार्ट में डिवाइड हुआ है, बेसिक न्यूमेरिकल रिकॉग्निशन। सो ये सब के लिए आप क्या कर सकते हैं, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड का जो प्रिपरेशन का जो बुक होता है आप उसको अगर आप कवर कर लेंगे एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए, तो आपका 100% ये सारा कवर हो जाएगा। जो फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया और आप सेक्शन बी में जा रहे हैं और आप सोच रहे नहीं मैं ये क्वेश्चन को बाद में कंप्लीट करेगा, तो ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि वो ओपन नहीं होगा वापस। तो सेक्शन ए को आप पूरा कंप्लीट करके ही जाइए, तब सेक्शन बी में जाइए, सेक्शन सी में जाइए, डायरेक्ट जंप मत कीजिए क्योंकि फिर वो ओपन नहीं हो सकेगा। और मोस्टली वैसे कट ऑफ 150 मार्क्स ही जाता है, 140 टू 150। अगर आप 150 तक लेके आ सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका रिटर्न क्लियर हुआ तो आपको मेल आएगा, तो आपको मेल बार बार कंटिन्यू चेक करते ही रहना है। नाउ अगर आपका रिटर्न कंप्लीट हो गया और आपका इंटरव्यू राउंड के लिए, तो इंटरव्यू राउंड में आपका मोस्टली वो आपके बारे में ही पूछेंगे, आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। बेसिकली आपका स्किल टेस्ट करेंगे, कैसा आपका स्किल्स है, तो ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन होगा। अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़।